नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अपडेट आया हुआ है। एग्ज़ाम थोड़ा सा मतलब पोस्टपोन कर दिया गया, 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ रिसेंटली अभी आई है जस्ट, और उसमें ये बताया गया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी गई है। 12th एग्ज़ाम अब आपका मई लास्ट वीक में होगा, जो कि अप्रैल में होने वाला था, अब वो मई के लास्ट वीक में होने के चांसेस हैं, ठीक है। और 10th एग्ज़ाम वो जून में शिफ्ट कर दिया गया है, जून के फर्स्ट वीक में बोर्ड एग्ज़ाम को शिफ्ट कर दिया गया है। तो भाई ये छोटा सा अपडेट आया और मैंने सोचा कि कुछ शेयर आपको कर दूँ। बहुत सारे बच्चे तक ये न्यूज़ जाती नहीं है, पहुँचती नहीं है, तो भाई छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन इसको थोड़ा सा पॉजिटिव में लेते समय आपको क्या करना है, आपको इस समय को यूज़ करना है, आपको वेस्ट नहीं करना है। अब तक बहुत सारे बच्चों ने अपने टाइम को वेस्ट किया, एग्ज़ाम नहीं होगी, एग्ज़ाम नहीं होगी। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, एग्ज़ाम तो होगी ही होगी, एग्ज़ाम चाहे थोड़ा सा डिले हो जाए लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होने वाली है। इसका ध्यान आप लोग ज़रूर रखें, बोर्ड एग्ज़ाम्स होगी ही होगी। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम तो होने ही नहीं वाली है, टेंशन लेना ही नहीं है, तो टेंशन थोड़ा सा लो, पढ़ाई अपना जारी रखो, और जो कमियां रह गई थी, वो जो समय अभी मिला है, उसको आप पूरा करें। बहुत बार बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते सर मुझे ये टॉपिक नहीं आता, मेरे चैप्टर नहीं हो, मेरा अकाउंट्स का ये बचा है, एसपी का ये बचा है, इको का ये है, ओसी का ये है। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग मैसेज आता है, फ़ोन आता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो आपकी कमियाँ हैं उसको पूरा करने का समय अब आपके पास है, मिल चुका है फिर से। ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जब से एग्जाम तक देखी आज तक कभी पोस्टपोन एग्जाम नहीं हुई है, रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में, और आप लोगों के साथ ये हो रहा है, इसका मतलब आपको मौका बार बार भगवान दे रहा है, आपको मौका बार बार मिल रहा है कि आप उस कमियों को पूरा करें। हाँ, थोड़ा सा भाई समय ज़्यादा मिल रहा है ये बोल सकते हैं, लेकिन उस कमियों को ज़रूर पूरा करें, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। और अगर आपको कोई टॉपिक में कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना है, एस पी ओ सी अकाउंट्स, कुछ चीज़ें आपको भाई छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, तो मैं जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप एक बार अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें, पॉजिटिव वे में ले इसको, इसको नेगेटिव वे में ना लाएं कि यार यार अब तो एग्ज़ाम होगी ही नहीं। एग्ज़ाम ज़रूर होगी और आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, और जो समय मिला है उसको अच्छे से यूज़ करें। बस इतना बस कहना था, छोटा सा वीडियो बनाया है, बस इतना सा कहना था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपके कमेंट बॉक्स का मुझे बड़ा इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको अब क्या लगता है, मतलब आपको अब और क्या चीज़ें सीखनी हैं, जो आपकी कमी रह गई है उसको आप कैसे पूरा करेंगे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।